हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज फिर हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो विच इज़ मोर रेलिवेंट फॉर नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफ़िकली कैनेडा और जैसे ही हम आपसे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये एक मैंने किसी एक फेसबुक के ग्रुप में रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और एक टॉपिक है जो मैं और बेरोज़ अक्सर इस पर डिस्कशन भी करते हैं और वो है चाइल्ड सब्सिडी का जो कि कैनेडा में मिलती है टू एवरीबडी हु इधर अ परमानेंट रेजिडेंट या वो जो है सिटीज़न है उसको चाइल्ड सब्सिडी मिलती है चाइल्ड सब्सिडी क्या होती है इस पर बेरोज थोड़ा सा लेबरेट करेंगे बिफोर वी डाइव इन टू द वीडियो माई नेम इज़ बतूल और बेरोज़ और हम वीडियोज़ बनाते हैं जैसे कि आपको पता है फॉर एनी वन हुज़ न्यू टू द चैनल ऑन नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिकली कैनेडा सेटलिंग इन एंडलिंग इन एंड द चैलेंजिकलीग्रेंट फेसर इट्स अमेरिका और कैनेडा और ये हम सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बनाते हैं बेसिस आर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो लर्निंग थ्रू अदर पीपल जिनसे भी हमारी कॉन्वर्सेशन और हमारा ताल्लुक रहा है तो बहरोस डाइवी अच्छा तो चूँकि सोशल एंगल पर जो है वो कैनेडा काफ़ी हेल्प करता है अपने लोगों की और uh, कह लें ये जो है प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है थोड़ा सा सोशलिस्ट टच भी है कनाडा में तो उस सूरत में होता ही है कि आपको अगर आपकी इनकम कम हो तो आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इनकम कम हो तो और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं सिर्फ ये नहीं कि आपको पैसा मिलता है बल्कि पैसा भी गवर्नमेंट देती है और कुछ और आपको बेनिफिट्स भी देती है बट एक चीज़ जो सबको मिलती है इनकम कम हो या ना हो वो है चाइल्ड बेनिफिट विच इज़ द गवर्नमेंट पेज़ यू मनी फॉर चाइल्ड so अब बिफोर वी डाइव इन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बताती चलूँ कि जिससे ये हमें आइडिया मिला टू मेक द वीडियो वो ये था कि किसी ने ये सवाल किया था तो उस फेसबुक ग्रुप पे कि आ, हम अभी नए इमिग्रेंट्स हैं और बोथ ऑफ अस आर इन आर फोटीज़ लेट फोर्टीज़ यानी वो ख़ातून जो थी शी वाज ओवर फोटी एंड द हस्बैंड वाज फोटी एट ईयर्स ओल्ड और उनको जो उनके आसपास के सर्कल में लोग हैं और ये बाय द वे देसीज़ हैं बाय द वे दिस इज देसी ग्रुप दैट आई नो और उसमें ये सवाल आया था कि उनको जो उनके रिश्तेदार या उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो मशवरा दे रहे हैं उन खातून को कि और उस कपल को कि दे शुड हैव अनदर किड उनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं जो टीन में हैं बट उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो एक और बच्चा कर लें ताकि उनको चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए और उनका सर्वाइवल कैनेडा में जो है वो आसान हो जाए आप सोच सकते हैं ये कितना गलत मशवरा है और ये कितनी गलत बात है और यही टॉपिक आज हम uh, मैं और बहरोज़ इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं एंड मी एंड बेहरोज वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस टॉपिक तो बहरोज़ प्लीज़ एक्सप्लेन अच्छा इसमें देखना एक तो ये कि किमून जब लोगों से मैं बात करता हूँ ना तो लोग उस एंगल पे भी आ जाते हैं बहुत रिलीजस एंगल से भी कि जो है वो रोटी तो अल्लाह ने लिखी है और इसलिए आप बस रिस्क अल्लाह ने लिखा है तो बच्चे करे जाएँ और मेरा उस उसमें पॉइंट ये होता है कि ठीक है रिस्क तो अल्लाह देगा बट टाइम तो चौबीस घंटे दिन में मेरे पास भी चौबीस घंटे आपके पास भी चौबीस घंटे अगर आपके पास दो बच्चे हैं तब भी चौबीस घंटे हैं और अगर आपके पास छः बच्चे हैं तब भी चौबीस घंटे सो ठीक है पैसे जो है वो सरकार दे देगी आपको पर बच्चे का आगे भी तो ख्याल उसको टाइम भी तो देना है बल्कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एट एट सर्टन पॉइंट इन टाइम इट इज़ द टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम देन द मनी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कोई बहुत मुझे अभी मैं गरीब ज़्यादा फील करता हूँ और मैं बोलता हूँ हालांकि मेरे पास अभी बहुत बेहतर पैसा है वर्सेज जब मैं आई वॉज यंग और आई वॉज अ चाइल्ड बट उस वक्त मुझे पैसों की ऐसे तलब नहीं थी मुझे खेल कूद की दोस्तों की पेरेंट्स के साथ टाइम की बर्थडे हो गई ये कुछ खा लिया कोई मीठा पकड़ लिया कि कोई दीवार फलांग ली कोई मस्ती कर ली दैट वॉज माई फ़न माई फन वॉज़ नॉट हैविंग द लग्जरीअस कार या लग्जरी में जाना अभी भी हम अपने बच्चों को भी हम तभी तो हमको लगता है बतूल कि कभी कभी हम जो अपने बच्चों को जो लग्जरी दे रहे होते हैं जो हमने कभी अफोर्ड नहीं की उनके लिए इट्स इट्स नथिंग वो कहते हैं कि यार मैं अप, अपने हमने बच्चों के साथ कितनी बार बारी हुआ है कि हम उनको बोल रहे हैं वेकेशन पे चलो क्योंकि हमने बुक की उनके लिए फ़्लाइट वो कह रहे हैं मैंने अपने दोस्त के साथ खेलना है अब हम जा रहे थे कहाँ एरो का एरोजोनो का, का ट्रिप था हमारा और वहाँ हम जा रहे थे बच्चों को लेके एंड दे, दे वो कप इन द मॉर्निंग लाइक क्या हम ना जाएँ और आई वॉज लाइक आई स्पेंड सो मच मनी टिकट के पैसे लगाए हैं तुम लोग को मैं ले जा रहा हूँ मेरे माँ बाप ने कभी मुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं लेकर गए कभी फ़्लाइट पर मतलब इक्का दुक्का बारी बैठे बट इस तरह से नहीं बैठे जिस तरह से हमारे बच्चे बैठते हैं और वो कह रहे हैं हमें दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है बट कम टू थिंक ऑफ इट हमारा भी यही होता था ना कि यार दोस्त के साथ कुछ अच्छा खासा खेल कूद कर लें वर्सेस ये कि चौबीस घंटे जो है वो लग्जरी में हो सो द पॉइंट इज़ कि आप अपने बच्चों को जो है वो टाइम भी, भी देना है सो so, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसे देगी तो पैसे सरकार से कर लें और उसके बाद जितने बच्चे घर में हैं, हैं उनको टाइम ही दें आई थिंक दैट इज़ अ सिन अच्छा इसमें मैं एक और बात बेरोज़ तुमसे पूछना चाह रही थी बिकॉज अगेन तुमने एक वीडियो बनाई भी है चाइल्ड सब्सिडी पे उससे लिंक भी कर देना इसको hmm. कि यू वांटेड टू काइंड ऑफ एजुकेट पीपल ऑन कि चाइल्ड सब्सिडी का प्रोसेस क्या है और देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है जो नया आता है इमिग्रेंट जिसके बच्चे छोटे हैं उनको चाइल्ड सब्सिडी मिलती है और मिलनी चाहिए है ये वीडियो स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे है कि क्या आपको ज़्यादा बच्चे करने चाहिए कनाडा के या आपका अगर फैमिली प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं तो अननेसरिली आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस मोटिवेशन से बच्चे पैदा कर रहे हैं कि आपको चाइल्ड सब्सिडी मिलेगी यानी आपको कुछ पैसे मिलेंगे तो लेट मी जस्ट बर्स दैट बबल पैसे जो हैं वो आपको जैसे बहरोज ने कहा इट्स डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो जो बहरोज ने ऑलरेडी बनाई हुई है इस टॉपिक पे लेकिन बहरोज़ थोड़ा सा और इलाबरेट कर दो के वो आपके एक तो इनकम के बेसिस पे भी मिलते हैं आपको कि आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम होती है तो आपको वो वो मिलते हैं विल डिस्क्राइब दैट एक और चीज़ जो थी वो ये कि ये कंसिस्टेंटली तो आपको एक अमाउंट नहीं मिलती रहती ना हाँ so सो दो चीज़ें बतूल एक है इनकम दूसरी है एज तो या तो आप अपनी इनकम को बिल्कुल कम करें तो आप ये करें कि अच्छा ठीक है यार मैं नौकरियाँ करना छोड़ देता हूँ अब मैं सिर्फ बच्चे करूंगा और बच्चों के थ्रू ही मुझे पैसे आएंगे तब तो ठीक है बट अगर आपकी नौकरी चल रही है और आप नौकरी से कमा रहे हैं और आप बच्चे कर रहे हैं तो आपको मिलेगी बट उतना इंक्रीमेंटली नहीं मिलेगा तो फिर डिपेंड करता है आप कितना कमा रहे हैं लेट्स से अगर आप हंड्रेड थाउजेंड तक कमा रहे हैं आ, पर बंदा और अगर फैमिली इनकम जो है वो वाइफ भी कमा रही है आप भी कमा रहे हैं जो कि करना भी चाहिए मतलब लट्स वन फिफ्टी टू हंड्रेड तक हो रही है तो आपको बहुत पीनट्स मिलेंगे उसमें exactly. तो ऐसा नहीं है कि वो आपको आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फिगर्ड आउट पहले शायद ऐसा नहीं होता था बट उन्हें इनकम के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दी है दूसरी चीज़ जब बच्चा छोटा होता है तब तो बहुत पैसे आते हैं क्योंकि हम जब आए थे हमारे बच्चे छोटे थे तो आई वाज सो हैप्पी कह रही है तो गवर्नमेंट बड़े अच्छे पैसे दे रही है एक्स्ट्रा पैसे बट वो सडनली केम एन एज आई थिंक जब फाइव इयर्स क्रॉस करते हैं कम्स अ बिग डिप वो एकदम गवर्नमेंट उसको कम कर देती है गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हमने आपको पैसे इसलिए दे रहे थे ताकि आप बच्चे का ख्याल रखें उसको पला बड़ा करें बट अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अब आपके खर्चे ऑप्टिमाइज़ होना शुरू क्योंकि शुरू में डायपर के खर्चे चाइल्ड केयर का खर्चे एंड ऑल बाय द वे चाइल्ड केयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ आल्सो फ्री नॉट फ्री बट वेरी मच सब्सिडाइज इन कनाडा नाउ हमारे टाइम में नहीं थी बतूल बट अब बहुत सब्सिडाइज हो गई है बट कहने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट तो पैसे आपको दे रही है पर वो पैसे जो है एक तो इनकम के हिसाब से चेंज होते रहेंगे और एज के हिसाब से भी घटते रहते हैं सो आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम यू लाइक मेरे पास दस बच्चे तो हो गए लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि उनकी एज हो गई है बिल्कुल अच्छा इसमें मैं एक और पॉइंट ये भी ऐड करना चाहती हूँ बेहस कि देखें एक चीज़ जो लोग नहीं सोच रहे होते वो ये है कि बच्चों का जो वो आपको एक चाइल्ड सब्सिडी दे रहे हैं वो बहुत लिमिटेड पैसे दैट इज़ नॉट गोइंग टू कवर फॉर देयर हायर एजुकेशन दैट इज़ नॉट गोइंग टू कवर फॉर देयर हेल्थ इवेंचुअली कोई भी जो आपको उनके या जो चाइल्ड बेयरिंग में या जो आप कह सकते हैं पेरेंटिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको बच्चों के लिए इवेंचुअली उसके पैसे देने पड़ते हैं एजुकेशन तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके अलावा उनका रहन सहन उनका खर्चा उनका दाना पानी जो जो भी चीज़ जो है वो एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दे लाइफ वो आपको बट चलो उस फेज़ से भी वो निकल जाएंगे उस फेज़ से भी मैं कहती हूँ डायपर फेज़ से भी निकल जाएंगे लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके काफ़ी अखराजात होते हैं तो आप सोचें अगर आपकी फ़ैमिली साइज़ जैसे ये जो कपल है इनका फैमिली साइज़ दो बच्चे हैं इनके जो टीन में हैं अब भी अगर एक और बच्चा कर लेते हैं तो इमेजिन कि इन्होंने अपने लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली जस्ट फॉर द टाइम बींग के थोड़े अरसे के लिए उनको वो कुछ पैसे मिल जाएँ जो उनको लोग मिसगैड कर रहे हैं और ये अपने लेट स्टेज़ज़ में भी हैं लाइफ के लाइक देयर इन दर लेट फोर्टीज़ इमेजिन के हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर देम कि बच्चा जो है वो जब और एक और चीज़ नोट करो गवर्नमेंट जा चेंजेस exactly. <laughs> जाए और उसके बाद गवर्नमेंट कहे कि अच्छा अब तो हमने पहले आपको ये देते थे अब हम नहीं देंगे क्योंकि फिजिकल प्रेशर आ गया है ना वील दैट मनी एंड हैव लाइक सो मैनी किड्स विद यू जिनको आपने इस चक्कर में किया कि सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी और रूल ही चेंज कर लिया सो एनीज द आइडिया इज कि आप जो है वो दिस मनी इज जस्ट अ स्वीटनर ऑन द टॉप इफ यू हैव अ फैमिली यू हैव किड्स आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है सी इट एज अ स्वीटनर वर्स इज मींस ऑफ अर्निंग और मीन्स ऑफ इनकम और मैं बहुत हैरान हुआ हूँ तो ने मुझे कहा कि वो पोस्ट पढ़ के बल्कि मेरी बतुल से डिबेट हो रही थी कि हम इस टॉपिक पर बात भी क्यों कर रहे हैं और वो कह रही है नहीं भाई लोग सीरियसली दे आर डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग दिस और बहुत से लोग इस चीज़ का अब फायदा उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है खासकर जो आप देखेंगे बहुत से प्रॉविंस में जो है ये इमिग्रेंट्स आ रहे हैं नॉट जस्ट देसीज बट पीपल आर एक्चुअली मेकिंगो है किड्स बिकॉज गवर्मेंट विल गिव यू द सब्सिडी फॉर इट विदाउट रियलाइजिंग कि आपको बच्चे को इमोशनली मैंटली जो है वो सपोर्ट करना होता है एंड ऑन सो मेनी ग्राउंड इट्स नॉट राइट बेरोज आप also, कि आप देखें इट्स नॉट एथिकल ऑल्सो कि यू जस्ट हैविंग समथिंग लाइक हैविंग अ किड ब्रिंगिंग अ किड इन दिस वर्ल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेलिंग दैट यू नो दैट मनी तो आपने एक्चुअली उसको क्यों लाए आप इस दुनिया में सिर्फ वो पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट से और जो बैरोज़ ने कहा कि बहुत ट्रांजिशनरी uh, है वो बेसिकली बहुत ट्रांजिशनरी इज प्रॉब्लम नॉट द राइट वर्ड कि बहुत टेम्प्ररी है वो जो पैसे मिल रहे हैं वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माई गॉड नाओ आई हैव लाइक दिस फाइव माउथ्स टू फीड या फोर माउथ्स टू फीड और उसमें फिर उस वक्त के जो चैलेंजेस है कैनेडा में बाई द वे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये चीज़ आपको टेम्प्रेरी तो बहुत अच्छा लगता है ना बड़ा ही स्वीट उन्होंने किया हुआ है कि आपको पैसे दे रहे हैं लेकिन दैट्स रियली नथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू कट इट जो आपके फर्दर एक्सपेंसेस हैं और जो बहरज़ ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था ये जो लोगों को एजुकेट मैं करना चाहती हूँ कि ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर अ वाइल दे यू डोंट गेट दैम स्पेशली जब बच्चा पाँच साल का हो जाता है उसके बाद ये पैसे बिल्कुल आपको मामूली आई थिंक बहुत छोटी अमाउंट मिल रही होती है विच इज़ अगर ख़ास अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तब तो वो पैसे बिल्कुल ही पीनट्स हैं चले मुझे और बतुल को बताएं कमेंट्स में कि आप क्या ऐसी सिचुएशन में किसी को जानते हैं बिकॉज मुझे था कि ऐसा कोई नहीं करता होगा एंड बतुल शी इज़ इट ऑन द फोरम्स जहां लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं सो so आप भी हमको बताएं कि क्या आपके भी सर्कल्स में इस तरह की बात हो रही है एंड प्रूव मी रॉन्ग कि नहीं ये इक्का दुक्का इंडिविजुअल नहीं है बहुत से लोग इस तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं एंड इफ दैट्स द केस वी शुड एजुकेट दैम नॉट टू डू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन कॉमेंट करें लाइक like करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग